सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो का लास्ट पार्ट है और ये सारे पार्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, साथ में ट्विटर और टेलीग्राम के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। तो हमने वीडियो के बहुत सारे जो तीन पार्ट आए थे उनमें हमने बेसिकली ये समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से जो अंग्रेज लोग थे वो कोस्ट लाइन के ही आसपास आके बसे थे। तो इस वाले पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेग्रेशन, टाउन प्लानिंग एंड साथ में यहाँ पे आर्किटेक्चुरल यानी कि जो स्थापत्य कला है उसका विकास होना चालू होगा। अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे ही इनमें ही ग्रेजुअली बदलाव इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि यहीं पे ही अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने सेटलमेंट बनाने चालू करे थे। तो अब हम इन तीनों की तीनों जगहों के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज आएंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे और साथ में हम देखेंगे आर्किटेक्चुरल के थोड़े बहुत नमूने। आपको पीसीएस और यूपीएससी के लेवल पे ये टच करने की कोशिश करूंगा वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुक में लिखी तो है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया कि आपको कहाँ कहाँ गए, मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे, तो उधर के इलाकों में ही डेवलपमेंट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मद्रास के बारे में। तो मद्रास की अगर आप शुरुआत करें तो मद्रास के अंदर अगर आप देखें तो मद्रास का पुराना नाम यहाँ पे मद्रासपट्टनम था। ये एक व्यापारिक शहर था, एक व्यापारिक जगह थी और वहां पे एक बस्ती थी जिन्हें हम चेनापट्टन बोला करते थे। उस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि उधर के इलाकों में इसका सेटलमेंट करा जाए। तो 1639 में आप देख सकते हो, 1639 के अंदर ये गए वहां पे और उस टाइम पीरियड पे कंपनी ने जमीनें परचेस करी। किनसे परचेस करी? वहां पे तेलुगु लॉर्ड्स हुआ करते थे और थोड़े बहुत नायक हुआ करते थे जो उधर के आसपास के इलाके पे अपना साम्राज्य चला रहे थे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि थोड़ा बहुत जमीन दे दीजिए और हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के पर्पस से आए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे ये जो सेटलमेंट उन लोगों ने करा था उस टाइम पीरियड पे तेलुगु और वहां के जो लोकल कम्युनिटी जो उस समय पे मजबूत कम्युनिटी हुआ करती होगी, उन्होंने अंग्रेजों को उस टाइम पीरियड के अंदर क्या करा, जमीनें दे दी। लेकिन दोस्तों आपको एक जानने वाली बात इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा नहीं था कि कंपनी 1639 के अंदर इधर आके बसी तो उधर और कोई कंपनी राज नहीं कर रही थी। ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले वहां पे एक और कंपनी राज कर रही थी, वो थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि फ्रेंच के लोग, डच के लोग, पोर्तुगीज के लोग, है ना, और साथ में क्या कहते हैं आपके, फिर लास्ट में ये आपके ब्रिटिशर्स आए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां पे मद्रास के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रह रही है वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर चली जाएगी तो दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे हुआ यही कि दोनों में क्लैश हुआ और क्लैश जब हुआ तो ये वॉर में तब्दील होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। क्योंकि देखो कंपनी ना, एक ही कंपनी एक जगह अपनी मोनोपोली बना सकती है, एक जगह ट्रेड कर पाएगी। तो इसीलिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको इतना डीपली मत समझिए लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अंग्रेज भी बहुत तेज थे और अंग्रेजों ने फर्स्ट कैनेटिक वॉर, सेकंड कैनेटिक वॉर और थर्ड कैनेटिक वॉर के अंदर लड़ते लड़ते फाइनली इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने पूरी तरीके से फ्रांस को 4 बार युद्ध करा उनके साथ और उनको वहां से भगा दिया। किन लोगों को? फ्रेंच लोगों को। अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि फ्रेंच लोगों को जब भगा दिया गया था तो एक वॉर था बैटल ऑफ वांडिंग वॉश, बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता ही चले कि यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा अगर दिया गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। छोटे मोटे हिस्से पे तो कैप्चर कर लिया लेकिन दो बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ वांडिंग वॉश और सीरागढ़ी ऑफ पांडिचेरी। यहाँ पे सीज ऑफ पांडिचेरी ये भी एक बैटल लड़ा जाता है और याद रखिएगा लास्ट में थर्ड कैनेटिक वॉर का ही ये पार्ट है, थर्ड कैनेटिक वॉर का ही ये पार्ट है। कंपनी 1639 के अंदर आई थी यहाँ पे लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने एक बैटल लड़ी, दूसरी बैटल लड़ी, तीसरी बैटल लड़ी, एकदम से किसी को नहीं हराएंगे, धीरे धीरे करके उनको कमजोर बनाएंगे और इस तरीके से थर्ड कैनेटिक वॉर जो फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में हुआ था उसमें फ्रांस हार जाता है और पूरा का पूरा कंट्रोल पूरी तरीके से मद्रास के अंदर फाइनली किनका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है, यानी कि ब्रिटिशर्स का हो जाता है। तो इस तरीके से कंपनी आपस में लड़ती रही और फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने मद्रास को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया तो उसके बाद कंपनी ने सोचा क्यों ना ऐसा करा जाए कि पहले हम ऐसी जगह बना लें जहां पर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हम कहीं ना कहीं बच जाए। इसलिए कंपनी ने मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज करके एक स्पेशली क्या कहते हैं एक जगह बनाई जो व्हाइट टाउन की तरह रहेगी। मतलब कहने का मतलब वही कि अब कोई भी गवर्नर अपॉइंट होगा, यानी कि सेंट जॉर्ज यहां पे गवर्नर अपॉइंट हुए थे और उनके नाम पे ये फोर्ट बनाया गया। ये फोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग यूरोपियंस ही रहा करते होंगे। अब वही वाली बात आ जाएगी, व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन, वो आपने पहले भी पढ़ लिया है। यूरोपियंस लोगों का मेन मकसद ये था कि व्हाइट टाउन अलग रहे, ब्लैक टाउन अलग रहे, क्योंकि उनको डर हमेशा यही रहता था कि कहीं ना कहीं ये लोग हम पे बाद में अटैक ना कर दें,
इसलिए कंपनी क्या करती थी कि अपने खुद के क्या कहते हैं व्हाइट टाउन होती थी, ब्लैक टाउन से बहुत दूर रखती थी। एक कारण सिक्योरिटी का भी हो सकता था और दूसरा कारण कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि वो ब्लैक टाउन को अनहाइजीन समझते थे, कहते थे कि बीमारियां होने के कारण बहुत सारे ब्लैक टाउन से ही आते हैं इसी वजह से। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये एक नया उनका प्लानिंग, टाउन प्लानिंग हो गया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आपके क्या कहते हैं व्हाइट टाउन हुआ करते थे वो कितने चौड़े और कितने खुले खुले हुआ करते थे, और जबकि ब्लैक टाउन आप देख सकते हो किस तरीके से, हालांकि सिस्टम सही तरीके से बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन जहां जहां तक इन लोगों ने कैप्चर करा था तो वहां वहां तक इन लोगों ने व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन को सेपरेटली अलग कर दिया। इस तरीके से ब्लैक टाउन जो था वो फोर्ट के बाहर के हिस्सों में डेवलप होने लग गया, और ज्यादातर उन इलाकों के अंदर कौन रहते होंगे, ऑफकोर्स उन इलाकों के अंदर आर्टिशंस, मिडल मैन, और दूसरा साथ में क्या कहते हैं आपको पता है ट्रेडर, छोटे मोटे बुनकर, व्यापारी, ये लोग हुआ करते होंगे। और यहीं के लोग ही क्या कहते हैं आप, फिर आपको पता होगा मैंने एक मिडल मैन भी बताया था, यहीं के लोकल लोग ही काम करने के लिए अच्छी जगहों पर आया करेंगे। तो ये सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आर्टिशंस और मिडल मैन और साथ में व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन के बीच में डिफरेंट आया। अब जैसे जैसे अंग्रेजों की पावर बढ़ती चली गई, क्योंकि पहले वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ करते थे, और आप देखेंगे कि उनके आसपास के इलाकों में बहुत दूरियां हुआ करती, मतलब कहने का मतलब व्हाइट टाउन से ब्लैक टाउन में अगर हम डिफरेंशिएट देखें तो व्हाइट टाउन कहीं ना कहीं साफ सुथरे और लंबे चौड़े और दूर दूर तक उनके दूर दूर तक कोई मैदान साफ कर दिया करते थे वो लोग, क्योंकि अगर कोई बंदा अटैक करने भी आ रहा है तो उसे दूर से देख सके, इसलिए सिस्टम ऐसे बनाया गया था। और जैसे जैसे अंग्रेजों को मद्रास के अंदर अपनी पावर मजबूत वो लोग करते रहे, तो वैसे उन लोगों ने क्या करा, अपने खुद के टाउन जो उनके खुद के फोर्ट्स हुआ करते थे उनके बाहर के हिस्सों में फिर धीरे धीरे करके इन लोगों ने खुद के मतलब मैं कह सकता हूँ सेटलमेंट्स बैठाने में लोग लग गए, जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं गार्डन हाउस के नाम से इन्होंने उसका नाम बोला। तो ये मद्रास के आसपास के हिस्सों में हुआ करते थे, इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि धीरे धीरे जो वेल्दी क्लास हुआ करती थी, जो ब्लैक टाउन्स में रहा करती थी, वेल्दी क्लासों ने जमीनें खरीद ली, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां पे यूरोपियंस लोग रह रहे हैं उसके आसपास का हिस्सा तो डेवलप होगा ही होगा। तो इसीलिए जो मिडल मैन हुआ करते थे, जो वेल्दी क्लास हुआ करते थे, वो उधर की जमीनें खरीद लेते थे, और खरीदने के बाद वो अंग्रेजों को बेचा करते थे, बेचने के बाद वो खुद वेल्दी क्लास होते चले जाएंगे। तो ये एक सिस्टम हुआ करता था, इसलिए ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन धीरे धीरे वहां देखा जाने लग गया। और यहां पे आप बात करें टाउन प्लानिंग की, तो टाउन प्लानिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि कलकत्ता के अंदर टाउन प्लानिंग यहां पे इसलिए स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों को पता होगा कि यार इस इलाके को हमने जीत लिया है, तो मद्रास में टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कलकत्ता के बारे में, तो कलकत्ता का भी टाउन प्लानिंग कुछ अलग तरीके से था। अगर आपको पता हो तो कलकत्ता के अंदर कंपनी एक बिजनेस के मकसद से गई थी, क्योंकि वो जाके जहांगीर के कोर्ट से फरमान तो लेके आ गए थे, और क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर जहांगीर ने हाँ भी कर दी थी, और बाद में कंपनी ने क्या करा कि कलकत्ता के आसपास जाके वहाँ पे क्या कहते हैं पूरी तरीके से वो बनाया, अपना सेटलमेंट बनाया। लेकिन कलकत्ता के अंदर वहाँ पे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला रहता था, सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं भाई हमें भी क्या कहते हैं जो भी आप ये बना रहे हैं सेटलमेंट कर रहे हैं बिजनेस व्यापार के लिए आ रहे हैं इसमें से भी हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पैसा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सिराजुद्दौला ने क्या करा था, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के बनाए गए महलों को तोड़ दिया था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप बोले तो जब 1756 के अंदर ये बात हो रही थी तो बंगाल के नवाब इस बात से एग्री नहीं थे कि ब्रिटिशर्स मेरे बंगाल के अंदर आके फैक्ट्री बनाए और मुझे उसका प्रॉफिट शेयर ना दे। तो ये चीज अंग्रेजों को पता थी कि जब तक बंगाल का नवाब यहाँ पे रहेगा तो कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब को हम अगर क्या कहते हैं नहीं हरा पाएंगे तो वो इन फ्यूचर हमें हमारे ट्रेड में दिक्कत देगा। तो दैट इज वाई क्या करा गया, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई। फिर आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी लड़ते हैं, सिराजुद्दौला, वो पुरानी कहानी मैंने पहले ही बताई हुई थी कि बैटल जीतना हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन फिर भी धोखेधड़ी की वजह से मीर कासिम उसने किस तरीके से सिराजुद्दौला को ही मार दिया, और रॉबर्ट क्लाइव फिर फाइनली भारत के अंदर बंगाल का नवाब बन जाता है, मतलब रॉबर्ट क्लाइव हेड बन जाता है, और उसके बाद कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ऑफिशियली बंगाल के अंदर काम करने लगती है। तो पहला युद्ध जो हमारी धरती पर लड़ा गया था वो बैटल ऑफ प्लासी था अंग्रेजों के द्वारा, और वो भी हमारे इंडियन से। तो जब ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया तो फाइनली फिर ये समझ में आया कि अगर मान लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जीत लिया और इन फ्यूचर क्या कहते हैं इन फ्यूचर कहीं ना कहीं अब कंपनी चाहेगी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए वो ऐसा फोर्ट बनाएगी, ऐसा किला बनाएगी कि बाहर के बंदे अटैक ना कर सके। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यही सेम चीजें करी, उसने फोर्ट विलियम बनाया, फोर्ट विलियम, और ये फोर्ट विलियम बनाने का मेन मकसद था कि ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां के बाहर के हिस्से बिल्कुल खुले रहेंगे, कोई अटैक करने के लिए आएगा तो भाई
थिंग पता चल जाए, ये एक तरीका बनाया गया। उसके बाद लॉर्ड वेजले आते हैं, वेजले ने भी यही कहा कि हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट हाउस बनाएंगे कोलकाता के अंदर। इसका मेन मकसद यही होगा कि भाई कंपनी अपने आर्किटेक्चुरल चीजों को दिखाने की कोशिश करेगी। लॉर्ड वेजले ने बताया कि पूरा का पूरा व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, अगर इसको साफ सफाई के लिए सिस्टम के लिए अगर हमें इसे चलाना होगा, तो सबसे अच्छी बात वेजले ने सेटअप करी बहुत सारी कमेटियां, जिसका मेन मकसद था कि टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से होती रहे और साफ सफाई भी होती रहे। वेजले के जाने के बाद ये सारा काम एक लॉटरी कमेटी को दे दिया गया 18-17 के अंदर, और यहाँ पे लॉर्ड वेजले एक अच्छा काम करके चले गए टाउन प्लानिंग के बारे में कि किस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। तो लॉटरी कमेटी एक स्पेशली वहां की जनता के द्वारा खरीदी गई लॉटरी से जो पैसा मिलता था वो टाउन प्लानिंग में लगाया जाता था। कहाँ की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, कलकत्ता की। तो इस तरीके से आप कह सकते हो लॉटरी कमेटी ने, आप देख सकते हो ये वो सारी जगह है जहां पे आपको बड़े बड़े सेटलमेंट दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं बना हुआ है, तो ये मान के चलिएगा ये सारे यूरोपियन लोगों की जगह है। और जहां पे अगर आप ये देखेंगे कि सेटलमेंट्स आसपास है तो ये ब्लैक टाउन है, ये व्हाइट टाउन है, ये ब्लैक टाउन है। इस तरीके से व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन यहां पर भी बनाए गए, जैसा कि उन लोगों ने कहां बनाया था, मद्रास के अंदर बनाया था। ऐसी व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन यहां बनाया गया, जिसका मेन मकसद यही था कि अनहाइजीन चीजों से बच सके, सिक्योरिटी से बच सके। इसीलिए अब दूसरी बात करते हैं बॉम्बे की। बॉम्बे के बारे में भी अगर आप इतिहास में जाने की कोशिश करें तो बॉम्बे में भी कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि बॉम्बे वैसे तो महाराष्ट्र की कैपिटल है, लेकिन बॉम्बे शुरुआती समय में 7 टापुओं का एक समूह हुआ करता था, जो धीरे धीरे करके करते 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 एक बिजनेस प्लेस बन गया, और वहां पे आर्किटेक्चर का नमूना हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। अब रीजन क्या है, रीजन ये कि आपको पता होगा कि किस तरीके से पोर्तुगीज से शादी हुई थी और वहाँ पे फिर ये पूरा का पूरा मुंबई जो था उनको गिफ्ट में, डाउरी में मिल गया था। और इसी वजह से एक कारण तो ये बोला जाता है कि हिस्सा इनको बम्बई प्रांत जो था, बॉम्बे जो था हिस्सा, वो अंग्रेजों को मिल गया था। और एक और रीजन ये भी बोला जाता है कि 7 टापुओं का अगर ये समूह था, बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होने लग गया, और डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण बोला जाता है अफीम की खेती का होना। अफीम अंग्रेजों को पता था कि ये ऐसी चीज है जो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेड की जा सकती थी। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि ईस्टर्न कंपनी को अफीम का व्यापार यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा था, और इसी वजह से बॉम्बे जो है धीरे धीरे कमर्शियल कैपिटल के रूप में उभरना चालू हुआ। जब वो कमर्शियल कैपिटल के रूप में उभरना चालू हुआ बॉम्बे, तो उसका फायदा ये भी हुआ कि उस टाइम पीरियड पे यूरोपियंस लोग, शुरुआती समय में अगर आप देखें तो स्विस कैनल नहीं खुला हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें स्विस कैनल की, तो स्विस कैनल उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखें तो लगभग स्विस कैनल 1869 के अंदर खुल चुका था। और 1869 के अंदर खुल चुका था तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, ब्रिटेन के लोग अमेरिका से कॉटन लिया करते थे, ये एक रीजन है। और 1861 के अंदर जब कॉटन नहीं मिल रहा था ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन को तो उन्होंने कहाँ से लेना चालू करा, मुंबई से, गुजरात से, इधर से तो लेना चालू करा। इसलिए कॉटन के प्रोडक्शन की वजह से और अफीम की वजह से, दो चीज़ों की वजह से मुंबई बहुत ज़्यादा कमर्शियल सेंटर बन गया। यहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने लग गया, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होने लग गया। इसलिए वहाँ के जो लोकल क्या कहते हैं, मैं कम्युनिटी बोल सकता हूँ, कोंकणी मुस्लिम, मारवाड़ी, पारसी, यहूदी है ना, गुजराती बनिए, ऐसे लोगों को मुंबई में बहुत फायदा हुआ इन चीजों की वजह से। ये लगभग 1800 समथिंग की बात है, 1869 की बात, तो जब ये स्विस कैनाल खुल गया था तो पूरी तरीके से मुंबई एक ऐसी जगह बन गया जो आप कह सकते हैं कि यूरोप के दूसरे हिस्सों से जुड़ने लग गया था। और एक कारण ये भी था, बिजनेस की वजह से नए नए क्लास कैटेगरी उभरने लग गई थी। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मुंबई के अंदर बिल्डिंग और आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो बनने लग गई, और यहाँ पे मिड 90s के टाइम पीरियड पे रेलवेज, बहुत सारे चर्च, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बहुत सारे कमर्शियल प्लेसेस, सब में कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर हमें इफेक्ट दिखने लग गया अंग्रेजों का। अब यहाँ पे इमारतें और क्या कहते हैं जो स्थापत्य कला होती है, वो हमें क्या बताने की कोशिश करती है, ये बताया गया है। हालांकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब रिटर्न में लिखना होगा तो वो इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप, मैं चाहूंगा कि आप देख लीजिएगा आराम से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से समय दिया हमारे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने इंडियन स्टाइल के अंदर भी अपना इफेक्ट डाला, कुछ वो बाहर से लेके आए, कुछ कॉम्बिनेशन कर दिया चीज़ों का। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बंगलों की बात करें तो बंगलो एक बंगाली हट से इन लोगों ने कनेक्ट करा। हालांकि बंगलो हमारे ही भारत का क्या कहते हैं बनाया हुआ हिस्सा है। उस टाइम पीरियड के अंदर बंगलों की जो छत हुआ करती थी, हम लोग किससे करते थे, घास फूस से बनाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें अपना इफेक्ट डाला, अपना टेक्सचर डाला, और इनको क्या कहते हैं, इन बंगलों को उन्होंने क्या कर दिया, इन बंगलों को उन लोगों ने रूफ जो था वो आपका सीमेंटेड या मैं कह सकता हूँ पत्थरों का वो बनाना चालू करा। और बंगलों का फायदा ये हुआ करता था, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये रेशनली एक्सक्लूसिवली था, मतलब जो अमीर वर्ग हुआ करता था वो बंगलों के अंदर रहा करता था, सारी चीज़
फैसिलिटीज बंगलों के अंदर हुआ करती थी, और जो ब्लैक टाउन हुआ करता था वो बंगलों से बहुत दूर हुआ करता था। इसलिए आज की डेट में भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े ऑफिसर जनरल्स उन सबके बंगलों जो होते हैं उनका अलग ही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो अंग्रेजों के आर्किटेक्चर से ही चालू हो चुका था। अब पूरी बुक के अंदर बेसिकली जो बताया गया है कि आर्किटेक्चर के कितने स्टाइल्स बताए गए हैं, तो पूरी बुक में तीन ही बताए गए हैं, न्यू क्लासिकल, गैथोलिक क्लासिकल और इंडो ससीरियन करके इसका नाम है, ठीक है ना, ससीरनिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तीन टाइप के हैं और तीन टाइप की बिल्डिंगें हमारे भारत के अंदर बनाई गई थी। इसका थोड़ा बहुत मिक्सचर क्या कहते हैं इंडिया का भी था, कुछ इंडिया एक नई स्टाइल में भी एमर्ज हुआ था, वो हम देखने की कोशिश करते। सबसे पहले नॉन क्लासिकल, अब देखो ये चीज पूरी तरीके से एंशिएंट रोम के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी ऐसी तरीके की बिल्डिंग बनाने का। अब यहाँ पे बाद में क्या कहते हैं वो तो रेनेसा काल आया यूरोप के हिस्सों में, और इसीलिए फिर बाद में क्या कहते हैं हमने इसकी यूरोपियंस लोगों ने इसकी कॉपी करनी चालू कर दी थी, और इसीलिए हमने क्या कहते हैं बहुत सारे टाउन हॉल मुंबई के अंदर और बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स न्यू क्लासिकल तरीके से बनानी चालू करी, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है एसआईटी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। अगर आप ये देखें तो इसमें कुछ ऐसा हिस्सा होता है, पल्लवन स्टाइल भी बोला जाता है इसको, तो इसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसा होता है, फिर यहाँ पे ये पिलर्स खड़े कर देते हैं ये लोग, है ना। तो ये एक नया स्टाइल था जिसे हम न्यू क्लासिकल स्टाइल बोलते हैं, इस स्टाइल से हमारी बिल्डिंग से बनाई जाती थी। और दूसरा कमर्शियल टाउन्स भी हम लोगों ने बनाए, तो कमर्शियल टाउन्स आप देख सकते हैं इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमारा रोमन से दिखाई देता है। अगर आप रोम की इटली की कोई भी वो जगह देखेंगे ना तो आपको ऐसी ही बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, और ये बिल्डिंगें हमारे इंडिया के अंदर यूरोपियन स्टाइल की वजह से आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट हमारा मतलब यूरोपियंस का इफेक्ट ग्रीक लोगों से ज्यादा था, रोम जैसे लोगों से ज्यादा था, इसलिए इस टाइप की बिल्डिंगें हमें क्या कहते हैं कहीं ना कहीं देखने को मिली, ठीक है ना। तो एक ये स्टाइल था न्यू क्लासिकल स्टाइल। दूसरा एक स्टाइल बोला जाता है गैथोलिक स्टाइल। गैथोलिक स्टाइल को ऐसा बोला जाता है कि ये ऐसे स्टाइल होते हैं जहां पे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स तो होते हैं पर इसमें ऊंची छतें होती हैं और उसके बाद रूफ भी होता है, बहुत सारे तरीके से बताया गया। इस कैथोलिक स्टाइल से बहुत सारे चर्च, बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारे इंडिया में बनाई गई थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको इसकी बुक में दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे बॉम्बे का सचिवालय है ये, और देख सकते हो कि ऊंची इमारतें, थोड़ा ऐसे हिस्सा है। दूसरा एक और चीज इसमें बताया हुआ है, मैप में तो इसमें नहीं है शायद से, नहीं हाँ, मतलब एक स्टाइल ये बताया गया ये गैथोलिक स्टाइल में है। दूसरा ये आपका क्या कहते हैं मुंबई का रेलवे स्टेशन, ये भी उस टाइम पीरियड में गैथोलिक स्टाइल में बनाया गया था। और तीसरा ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, ये भी गैथोलिक स्टाइल में डिजाइन करी गई है। तो ये एक स्टाइल ये था। फिर दूसरा था इंडो ससीरियन स्टाइल, ये असल में इंडिया का और साथ में मुस्लिम लोगों के मिक्सचर से बनाया गया था। और अगर आप देखें तो ये एक न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चुरल स्टाइल हुआ करता था जिसमें इंडिया का और यूरोपियंस का दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिला। होता ना डोम टाइप चीजें होती है, डोम टाइप चीजें, तो आप इसमें देख सकते हो डोम है इसके अंदर, उनके अंदर डोम नहीं था जो अभी हमने दूसरा कैथोलिक स्टाइल पढ़ा। अगर आप देखें तो इनमें डोम नहीं मिलेगा आपको, इनमें डोम नहीं मिलेगा उस तरीके का, इसमें किसी दूसरे तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं और इसके अंदर हमें डोम भी देखने को मिलता है। तो ये आपके फाइन आर्ट जो आर्ट एंड कल्चर वाले बच्चे हैं ना उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है वहां पे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको एनसीईआरटी जो है टच करके बता रहा है कि भैया इन इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। फिर गुजराती स्टाइल एमर्ज हुआ क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर जमशेद टाटा जी ने अपना जो ताजमहल होटल था थोड़ा गुजराती स्टाइल वो इफेक्ट दिया था। दूसरा अगर हम देखें गेटवे ऑफ इंडिया, जब जॉर्ज पंचम जी, जॉर्ज किंग जॉर्ज आ रहे थे और उनकी वाइफ आ रही थी 1911 के अंदर इंडिया के अंदर, जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी, तो उस टाइम पीरियड पर भी गुजराती स्टाइल बनाया गया था, है ना। फिर एक और हमारा इंडिया का खुद का एक स्टाइल है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था मुंबई के अंदर तो हमने खुद की चौल वॉल बनानी स्टार्ट करी थी, ये भी कहीं ना कहीं एक अलग स्टाइल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत है इसके अंदर, ठीक है। बाकी तो डीपली आपने पढ़ना ही है खुद से सेल्फ, और भी चीजें होती है पढ़ने के लिए, बुक में यही सब दिया हुआ था, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अगले पार्ट में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।